नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और टॉप रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे बंदे के बारे में जो हर दिन हर घंटे वायरल होते जा रहा है, पॉपुलर होते जा रहा है। मैं न्यूज़ चैनल हो या तो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, हर जगह वो पॉपुलर होते जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है वो हमको जानना है, और मैं मेरी टीम मिलके हमने उसके बारे में सर्च किया है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि वो बंदा, उस बंदे की तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो बंदा सारे न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में या मीडिया चैनल वालों के स्टूडियो में नज़र आ रहा है। और वो बंदा माइक लिए खड़ा हुआ है, माइक लेके खड़ा हो के वो या तो लोगों के बीच रहकर सवाल पूछ रहा है मीडिया वालों से, इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब लोगों के बीच से या फिर लोगों से क्वेरी करता है, या फिर उसे कुछ सवाल पहले से दे दिए गए होते हैं कि आपको यही सवाल पूछना है मीडिया वालों से। तो क्या है वो मामला, क्या है वो वजह जिसकी वजह से वो हर स्टूडियो में, एक चैनल के स्टूडियो में नहीं, एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में नहीं, वो हर चैनल के स्टूडियो में नज़र आता है। दिक्कत यहाँ पर है, ABP न्यूज़ आज तक ये सारे जो चैनल्स हैं इनका नाम मैं सुन पा रहा हूँ, जो मुझे अब तक सुनाई पड़ रहा है, और लोगों का अफवाह है कि ये चैनल वाले उसको खरीद के या फिर उनके बीच भी पता नहीं कोई भी एक बेसिस होगा, वो उनको बुलाते हैं, मतलब उस बंदे को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में रखते हैं, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ सवाल पहले से दे दिए होंगे कि आप जब ये शो चलेगा तब आप इनसे ये सवाल पूछिएगा। तो ये है वो दिक्कत यहाँ पर है, और यही चीज़ हमें जानना है कि वो हर चैनल्स में क्यों है, हर मीडिया वाले चैनल में, स्टूडियोज़ में क्यों है। ठीक है, तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके ये पता लगाया है कि कहाँ से है वो बंदा, क्या है, क्यों है और कैसे है, वो तो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने, हमारी टीम ने सर्च किया, बहुत सर्च किया गूगल पे, इसकी पिक्चर्स को हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद इसका एक पिक्चर जो हमें मिला, दो पिक्चर्स मिले एक्चुअली, वो पिक्चर्स इसकी सेल्फीज थे जो कि रवीश कुमार जी के साथ लिए थे, और रवीश जी के साथ दोनों पिक्चर्स थी। वहाँ से वो फ़ोटो हमने, हमें जो गूगल पे मिली, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो पिक्चर्स को हमने फिर से सर्च किया, और दूसरा लिंक मिला हमें ट्विटर पे। ट्विटर पे जो हमें लिंक मिला, जो फ़ोटो मिली इसकी, वो फ़ोटो हमें मिली आलिया भट्ट के प्रोफाइल पे। ट्विटर का वो प्रोफाइल है, और ट्विटर के प्रोफाइल पे, आलिया भट्ट के प्रोफाइल पे वो फ़ोटो है उनका। उस फोटो को हमने फिर से फॉलो किया, वो मतलब वो शेयर किया हुआ था ट्विटर पे, शेयर किया हुआ था, और वहाँ से हमने उसको फॉलो किया कि ये लिंक कहाँ से आई है। इससे फिर हमको और एक ट्विटर अकाउंट का लिंक मिला, जहाँ से हमें मिला खालिद समीर का नाम। तो यहाँ पे हम, ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो बंदा है, इस बंदे का नाम खालिद समीर है, और इसकी ट्विटर पे हमें इसका मतलब प्रोफाइल मिल गया। प्रोफाइल मिल जाने के बाद यही सेम चीज़ हमने, मींस उनका नेम, नाम हमने फेसबुक में सर्च किया, फेसबुक में सारा खुलासा हो गया, और वो बंदा खालिद समीर के ही नाम से है। उसका असली नाम खालिद समीर ही है, जो आपने इतने सारे पिक्चर्स देखे, जो बेनाम था खालिद समीर। और खालिद समीर अगेन फेसबुक का जो प्रोफाइल था उनका जेन्युइन प्रोफाइल था, और उसमें काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे उनके खुद के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि अजय देवगन हो गए, विद्या बालन हो गई, और भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो रेसलर है, इंडियन रेसलर वो भी है वहाँ पे, तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं उनके सेलिब्स के साथ, तो ये जानी मानी हस्तियों को जानता है। तो एक्चुअल में बंदा कहाँ से है, वो फेसबुक से हमें छानबीन पर पता चला। सो वो है खालिद समीर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और वो वहाँ जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है। आप, अब ये आपके ऊपर है, आपके हाथों में है। हमें तो डिटेल्स खोज करके बताना था कि आखिर ये बंदा क्यों इतना फेमस है, क्यों इसका नाम बार बार आ रहा है, तो हमने, हमारी टीम ने खोज के बता दिया। आप पे डिपेंड है कि आप मीडिया वालों को किस तरीके से लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मीडिया वाले इस बंदे को खरीद सकते हैं, मतलब उनका खुद का बंदा हो मे बी, या फिर उसे खरीद के रखे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा, मतलब अफवाहें जो सुनी हैं वो सही हो सकती हैं या नहीं, डिपेंड्स अपॉन यू, आप डिसाइड करें। ये था खालिद समीर और उसके वायरल होने की वजह। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।